नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। बिहार में भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने बीजेपी पार्टी की जीत पर खुशी जताई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि यूपी में विकास की जीत है, लोगों ने संप्रदायवाद और परिवारवाद को नकार दिया है। उन्होंने पार्टी की जीत पर खुशी जताई और कहा कि अगले 2029 तक कोई भी पार्टी के बीच में घुसपैठ नहीं हो सकती। देखिए वीडियो में अखिलेश कुमार सिंह ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की जीत देश के अंदर एक नया संदेश लेकर आई। उत्तर प्रदेश की जीत ने यह बता दिया, यदि विकास के रास्ते हम चलेंगे तो जनता पुनः मौका देगी, लेकिन जिन्ना के रास्ते चलेंगे, संप्रदायवाद के रास्ते चलेंगे, सत्ता संपोषित अपराध के लिए चलेंगे तो निश्चित रूप से जनता नकार देगी। बिहार के लिए भी संदेश है कि परिवारवाद और परिवार के विकास के लिए जो लोग लगेंगे और जनता के गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उसे अपने परिवार और अपने संबंधियों के विकास के लिए लगाएंगे तो जनता सबक सिखाएगी और बिहार के लोग भी इससे सबक लें, बिहार की का भी विपक्ष सबक ले। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, कोरोना के समय में वैक्सीन को बदनाम करने का काम किया, मोदी जी को बदनाम करने का काम किया, देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम को जिन लोगों ने बदनाम करने का काम किया, जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। आने वाले समय में मौका नहीं मिलने वाला है। नो वैकेंसी 24 से लेकर 29 तक और आगे भी इसी विचारधारा की सरकार रहेगी और हम पूरी तन्मयता के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन है जिसका हम प्रयोग करते रहेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।